दीपक बाबरिया जी, उदय भान जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता हमारे कैंडिडेट रावधान सिंह जी, जरा आगे आइए। हमारे कैंडिडेट रावधान सिंह जी, पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता भाई और बहनों, हरियाणा के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैंने कहा प्रेस के मित्रों कहना पड़ता है, मगर ये है नहीं मित्र, ये अदानी जी के मित्र हैं, मोदी जी के मित्र हैं, अरबपतियों के मित्र हैं, किसानों के मित्र नहीं हैं, मजदूरों के नहीं हैं, छोटे व्यापारियों के नहीं हैं। अब ये जो बेचारे यहां आपके साथ गर्मी में भीड़ में खड़े हैं, कैमरामैन, छोटे छोटे रिपोर्टर, इनकी गलती नहीं है, इनको कमाई करनी है, सैलरी लेनी है, तो जो इनको ऊपर से कहा जाता है वो कर देते हैं, मगर इनके मालिक, इनके बड़े बड़े एंकर्स, ये सारे नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। भाई और बहनों, मैं 4000 किलोमीटर चला, कन्याकुमारी से कश्मीर, हरियाणा से निकला, रास्ते पे सब ने कहा मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और किसान। मीडिया में आपको ना किसान की बात दिखेगी, ना महंगाई, ना बेरोजगारी। मीडिया में आपको एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, तो दूसरी तरफ अंबानी की शादी, 8 करोड़ रुपए वाली घड़ी। ये लोग सच्चे मुद्दे नहीं उठाते हैं, ये 2-3 अरबपतियों के काम करते हैं, तो कहना पड़ता है मीडिया के मित्र, मगर है नहीं ये। भाई और बहनों, मैं शुरुआत अग्निवीर योजना से करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के बॉर्डर की रक्षा हरियाणा के युवा करते हैं, बाकी प्रदेशों के युवा करते हैं, दिल में, खून में, डीएनए में देशभक्ति है आपकी, और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है, मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि दो तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है, सेना इसे नहीं चाहती है, यह पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे,
अगर शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे। सारी की सारी फैसिलिटीज सबको मिलेंगी, हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी, पेंशन सबके परिवारों को मिलेगी, शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। तो पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को हम फाड़ फूड़ के कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने जय जवान की बात की, अब मैं जय किसान की बात करना चाहता हूं। जो काम जवान बॉर्डर पे करता है, जो देश की रक्षा जवान बॉर्डर पे करता है, वो हरियाणा का किसान हिंदुस्तान के खेतों में करता है। तो अगर जवान की बात करी तो किसान की बात भी करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो आपका था वो छीना, तीन काले कानून लाए, हम जमीन अधिकरण बिल लाए थे आपके लिए, आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए, आपको जमीन के सही दाम दिलाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों की मदद करने के लिए जमीन अधिकरण बिल को खत्म किया। उसके बाद तीन काले कानून आए, हिंदुस्तान के किसान, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, महाराष्ट्र के किसान, कर्नाटक तमिलनाडु के किसान सड़क पे आ गए और नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, हमने यूपीए के समय कर्जा माफ किया था। अगर आप उतना ही पैसा 24 बार 24 सालों के लिए माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपतियों का माफ किया है। यह आपका, हिंदुस्तान के किसानों का अपमान है। और जब हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से कर्जा माफी मांगता है, तो नरेंद्र मोदी खुल के कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है। अच्छा, तो किसानों की आदत कर्जा माफी से बिगड़ती है, मगर अदानी, अंबानी और अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती। उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया, मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है, और किसानों का कर्जा माफ होता है, मनरेगा जैसी योजना आती है, मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो गरीबों की आदत बिगाड़ी जा रही है। अब मीडिया वाले आप अच्छी तरह सुन लो, हम किसानों की आदत बिगाड़ने जा रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। और कैसे बिगाड़ेंगे वो भी बता रहा हूं आपको, लिख लो अपने अखबारों में। जैसे ही 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। लिखो जितना लिखना है, मोदी जी की फोटो के पास लिखो, हमें जो करना है हम करेंगे, किसानों का कर्जा माफ खटाक से, हरियाणा और बाकी प्रदेशों का। उसके बाद भाइयों और बहनों और किसानों, हरियाणा के सारे मेहनती किसानों, आप सुनो, आपने भारत जोड़ो यात्रा में मुझे सिर्फ दो बातें बोली थी। पहली बात, पहला सवाल था, राहुल जी अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, हमारा क्यों नहीं, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि राहुल जी हम दुकान में जाते हैं, चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं,
हर प्रोडक्ट पे दाम लिखा होता है, बड़ी बड़ी कंपनी वालों को सही दाम मिलता है, हिंदुस्तान के किसान को अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए सही दाम नहीं मिलता, सही दाम नहीं मिलता। और जब समय आता है तो नरेंद्र मोदी जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बदलकर हमारा नुकसान करा देते हैं। ये हजारों किसानों ने मुझे भारत जोड़ो यात्रा में कहा। तो पहली बार हिंदुस्तान की सरकार हरियाणा के किसानों के लिए कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ला रही है। कानून बनेगा और आपको कानून मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी। और जहां तक कर्जा माफी की बात है, मैंने कहा एक बार नहीं होगा, हम एक कमीशन ला रहे हैं, कर्जा माफी कमीशन। जब भी हरियाणा के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, कमीशन सरकार को बताएगा, सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। जब भी आपको जरूरत होगी हम करेंगे। अरे भाई, अगर वो 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकता है तो हम किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। मैंने तो मन बना लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया उतना हम किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। और मेरा इंडिकेटर है भाई और बहनों, मेरा इंडिकेटर है, जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे उतना ज्यादा पैसा मैं ठकाठक 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 डालूंगा। तो अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी की जो छवि थी ना, जो रेप्यूटेशन था, जो इमेज थी, वो आज हिंदुस्तान में खत्म हो गई है, वो बची नहीं है। वो आजकल क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जाते हैं इंटरव्यू देने, आपने देखा होगा एक इंटरव्यू में उनके चमचे ने उनसे पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? क्या मैं सबको गरीब बना दूं? नरेंद्र मोदी जी, पिछले 10 साल आपने 22 लोगों को अरबपति बनाया है, गरीबों को आपने कुछ नहीं दिया, आपने गरीबों को और गरीब बनाया है। तो इनके इंटरव्यू चल रहे हैं, चार चमचे आते हैं, बैठ जाते हैं इनके साथ, कोई पूछेगा नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, आपको कौन सा आम अच्छा लगता है, क्या आप काट के खाते हो या आप चूस के खाते हो या आप छील के खाते हो? फिर नरेंद्र मोदी कहेंगे, कोविड के समय नरेंद्र मोदी कहेंगे, भाई और बहनों ऐसे करो, कोविड से लाखों लोग मर रहे हैं, भाई और बहनों ऐसे करो, चलो चलो थाली बजाओ। उधर थाली बज रही है, दूसरे साइड चमचे कह रहे हैं, ओ देखो देखो प्रधानमंत्री ने क्या मजेदार बात बोली, थाली बजवा दी सबसे, गंगा में लाशें बह रही हैं। फिर कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। तो इनका जो रेप्यूटेशन था, इनकी जो छवि थी, ये खत्म हो गई है, ये बची नहीं है, गुब्बारा फट गया है, धड़ाक से गया। अब क्या हो रहा है मैं बताता हूं, अब जो भी मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी के मुंह से बुलवा सकता हूं।
आप मुझे बोलो, आप मुझे बोलो क्या बुलवाना है, मैं बुलवाता हूं। पहले मैंने कहा मोदी जी 10 साल आपने अदानी अंबानी का नाम नहीं लिया, अब आप अपने एक भाषण में अदानी अंबानी का नाम लो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं टेम्पो में अदानी और अंबानी कांग्रेस पार्टी को पैसा दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी आपको मालूम कैसे कि टेम्पो में दे रहा है? और अगर आपको मालूम है तो फिर आपने अपने मित्रों की सीबीआई ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों से इंक्वायरी क्यों नहीं चालू की? तो उनकी छवि खत्म हो गई है। अभी क्या इनके बीजेपी के लोग आते हैं कभी कभी सड़क पर दिख जाते हैं, वो मेरी ओर देखते हैं और मैं जैसे उनको देखता हूं मैं कहता हूं अदानी, और सारे के सारे सिर झुका देते हैं। बीजेपी के लोग झंडा लिए खड़े, मैं कहता हूं अदानी, क्योंकि पूरा देश जानता है कि सरकार अदानी की है। मोदी जी और अंबानी की पार्टनरशिप मिलकर चला रहे हैं, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, रेलवे को देने की तैयारी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, हिमाचल के सेब दे दिए, सारी की सारी जमीन एक के बाद एक दी जा रही है। तो अब सवाल उठता है ये कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? मैं 2 चीजें आज आपको बताता हूं। किसानों की बात कर दी, मगर एक हम ऐतिहासिक काम जो आपको हिला के रख देगा, हरियाणा के महिलाओं को, गरीब परिवारों को ये हिला देगा, आप सपना भी नहीं देख सकते। उस सपने को हम 4 जून को पूरा करने जा रहे हैं। अब आप सोचिए हरियाणा के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर जात हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, किसान के परिवार, मजदूर के परिवार, बेरोजगार युवाओं के परिवार, जो भी गरीब है जिनको नरेंद्र मोदी ने गरीब बनाया उनकी लिस्ट बनेगी हरियाणा में। भैया 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 मैं राजा नहीं हूं, भैया राजा मोदी जी हैं। मैं देश का राजा नहीं हूं, देश का राजा कभी नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं। राजा मोदी जी हैं। तो हरियाणा में करोड़ों लोगों का की लिस्ट बनेगी, हर प्रदेश में बनेगी। लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, ठीक है? उसके बाद 4 जून को इंडिया सरकार बनेगी, 4 जुलाई को काम शुरू होगा, 4 जुलाई को हरियाणा में करोड़ों लोग जगेंगे, अपने बैंक अकाउंट को करोड़ों महिलाएं चेक करेंगी और 4 जुलाई बैंक अकाउंट के अंदर 8,500 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में मिलेगा। अब आप कहोगे तो क्या हुआ 8,500 रुपए डाल दिए जुलाई में, तो क्या हुआ अगस्त में 8,500 रुपए, सितंबर में 8,500, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, खटाखट अंदर। ऐसा झटका लगा नरेंद्र मोदी को,
अब अपने भाषण में बोल रहे खटाखट 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 खटाखट। भाइयों और बहनों, आपने कभी सोचा कि हरियाणा के सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया सरकार डालेगी? आपने कभी नहीं सोचा था। यह काम हम 4 जून को शुरू करने जा रहे हैं और यह पैसा हर महीने आएगा और उस दिन तक आएगा जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा के नीचे होगा। वो चलता जाएगा कटाकट 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 अंदर। मजदूरों को मनरेगा के लिए आज 250 रुपए मिलता है, हम 400 रुपए देने जा रहे हैं। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी आमदनी डबल। अब यहां काफी लोगों ने सवाल पूछा होगा, मैं देख रहा हूं कि महिलाएं मुस्कुरा रही हैं और जो पुरुष है ये देख रहे हैं ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, ये बैंक अकाउंट ये महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों जा रहा है, ये हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है? तो ये भी थोड़ा समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ना। तो हिंदुस्तान की मैं पुरुषों को सच्चाई बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 21वीं सदी में घर के बाहर दोनों स्त्री और पुरुष काम करते हैं, मजदूरी भी स्त्री और पुरुष करते हैं, जॉब भी स्त्री और पुरुष करते हैं, बिजनेस भी स्त्री और पुरुष करते हैं। तो जब आप बाहर काम करते हो 8 घंटे 10 घंटे, आपको भी पैसा मिलता है और महिलाओं को भी पैसा मिलता है, आपको सैलरी मिलती है उनको भी सैलरी मिलती है। मगर फिर 8 घंटे बाद आप घर जाते हो, ये भी घर जाती है और ये 8 घंटे और काम करती है, ये बच्चों की देखभाल करती है, ये भोजन पकाती है, ये बच्चों का स्कूल वर्क होमवर्क देखती है। तो अगर आप 8 घंटे काम करते हो, ये कम से कम 16 घंटे काम करती हैं। इसीलिए इनके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया जाने वाला है। मगर मैं हरियाणा के पुरुषों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं कि जैसे इनके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया आएगा, आप किसी ना किसी तरीके वो उनका पैसा आप भी थोड़ा सा ले जाओगे, तो फायदा परिवार को होगा और सिर्फ परिवार को नहीं होगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को पैसा दिया, उन्होंने इस पैसे को अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुबई में खर्च किया। हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, आप इस पैसे को गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, दुकानों में खर्च करोगे। आप शर्ट पैंट, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, डीजल पेट्रोल, ये चीजें खरीदोगे। जब ये खरीदोगे, जो फैक्ट्रियां आज नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर रखी हैं, वो सारी की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बार फिर शुरू हो जाएगा और उन्हीं फैक्ट्रियों में फिर हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो देखिए, एक काम, आपके जेब में पैसा डाला, फैक्ट्रियां चालू कर दी, आपको रोजगार भी दे लिया। तो एक प्रकार से जैसे गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला जाता है, वैसे ही हम हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं, आपके जेब में डायरेक्ट पेट्रोल डाल रहे हैं। उसके बाद 5 जुलाई को हम चाबी घुमाएंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट होता है गड़गड़ गड़गड़ स्टार्ट हो जाएगी। अब युवा कह रहे हैं कि राहुल जी आपने किसानों की बात कर दी, आपने मजदूरों की कर दी, आपने महिलाओं की कर दी, आपने हमारी बात नहीं की। तो दो चीजें आपको कहना चाहता हूं। हमने पता लगाया 30,00,000 सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, हमारा पहला काम 30,00,000 रोजगार आपको दिलवाने का होगा। और दूसरा ऐतिहासिक काम,
हम आपको हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, यूनिवर्सिटी और कॉलेज ग्रेजुएट्स को एक नया अधिकार देने जा रहे हैं। आपको याद होगा हमने पहले मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, उससे करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। अब हम एक नया अधिकार ग्रेजुएट्स के लिए ला रहे हैं और आप हैरान हो जाओगे क्योंकि किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने आज तक यह नहीं किया है। हम आपको पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। होगा क्या, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में ये नौकरियां आपको मिलेंगी। एक साल की नौकरी होगी, बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलेगी और एक साल के काम के लिए आपके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया आपको मिलेगा। और हर महीने जैसे महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आ रहा है, वैसे ही हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट 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 8,500 रुपए अंदर। अब आखिरी बात मैं हरियाणा की करना चाहता हूं। देखिए, जब हमारी सरकार थी हरियाणा में, जब हमारी सरकार थी, आपने हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया था, विकास हुआ तो यहां हरियाणा में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, गुड़गांव आपने दिया, मेडल्स आपने दिलवाए, ओलंपिक मेडल्स आपने दिलवाए, जो हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया था। तो अब समय आ गया है, आपको देश को रास्ता दिखाना पड़ेगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, यह हरियाणा जो है पूरे देश को रास्ता दिखाता है, यह आपकी जिम्मेदारी है। अब आप देश को रास्ता दिखाइए, विकास का रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर का रास्ता, ओलंपिक्स वाला रास्ता, और सबसे जरूरी जो ये नफरत फैलाते हैं, नरेंद्र मोदी जो नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ, ये इनका जो नफरत का बाजार है, इसमें आप सब मिलकर मोहब्बत की दुकान खोलिए। और ये पता लग गया है भैया, भाई और बहनों, कि यहां पे आंधी आने वाली है, कांग्रेस पार्टी का तूफान आ रहा है, हवा चल रही है धमाके से, यहां पे सारी की सारी सीट कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। आप इतनी गर्मी में आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, खत्म मैं इस किताब से करना चाहता हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन है भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है आज तक आजादी के बाद, इस किताब ने आपको दिया है, चाहे वो सड़कें हो, जमीन का अधिकार हो, रोजगार हो, जो भी आपको मिला है ये इसके कारण मिला है। ये अंबेडकर जी ने दिया, गांधी जी ने दिया, नेहरू जी ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने मिलकर हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर खून पसीना देकर ये आपको दिया है। और आज बीजेपी के लोग खुलकर कह रहे हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को और आरक्षण को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोग छोड़िए, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इस किताब को खत्म कर सके। और हरियाणा की जनता, हरियाणा के लोग, इस किताब की रक्षा करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की रक्षा करनी है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।